नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की समसामयिकी की। आज की समसामयिकी में है महिंद्रा फाइनेंस ने नया अध्यक्ष निर्वाचित किया है। अध्यक्ष चुने गए हैं अविनाश शाह। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस 2 अप्रैल 2021 से इनकी नियुक्ति होगी। महिंद्रा फाइनेंस का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1991 में हुई। महिंद्रा फाइनेंस व्हीकल में सबसे आगे है। अन्य ऐसे ही फाइनेंस के अध्यक्ष और चुने गए हैं, जैसे जन स्मॉल फाइनेंस के अध्यक्ष हैं रमेश रामनाथन, इक्विटास के अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन, मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड में और बैंकिंग में दोनों में अपना कार्य कर रहा है, एम जी जॉर्ज मुथूट इसके अध्यक्ष हैं, पावर फाइनेंस के अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लो और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार। आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। इसका उद्घाटन ऑनलाइन हुआ है, ये ऐतिहासिक अपने आप में। भारत आसियान के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और आसियान यह संगठन स्थापित किया है और आगे बढ़ रहा है। यह हैकाथन शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना वर्क कर रहा है और सहयोग कर रहा है। भारत और आसियान दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सुन लूंग हैं। महासचिव हैं इसके आसियान के लिम जोक होई। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र हैं, यानी 10 राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं आसियान के। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। इसका मोटो है दोस्तों, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके के मोटो पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चंडीगढ़ चर्चा में है दोस्तों, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो अभी चर्चा में है। देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, और इस इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन पीजीआई को दिया गया है। पीजीआई इसका देखरेख करेगी। इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके लोगों के लिए यह काम करेगा। इलाज के साथ साथ पुनर्वास की व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसमें क्षतिग्रस्त अंग का इलाज होगा और उसके बाद में उनका पुनर्वास होगा। डॉक्टर की देखरेख में फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं भी उसको मुहैया कराई जाएंगी। और इस क्लिनिक का जिम्मा पीजीआई के हेड हड्डी रोग विशेषज्ञ विभाग को दिया गया है। मणिपुर राज्य के नागपोंग सेकामाई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की घोषणा की गई है, दर्जा दिया गया है। गुजरात आनंद में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। उत्तराखंड में कवक पार्क की स्थापना हुई है और उत्तराखंड में ही तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना भी हुई है। NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पंजाब राज्य भी चर्चा में है दोस्तों। पंजाब राज्य सरकार ने एक मिशन की स्थापना की है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की स्थापना की है। वहां के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी। 2022 तक सभी गांव के प्रत्येक घर में हर घर पानी हर घर सफाई योजना उन्होंने स्टार्ट की है। पंजाब इसके साथ यह उपलब्धि करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हर घर पानी हर घर सफाई वाला पहला राज्य बनेगा पंजाब। अन्य इसी तरीके के राज्य जो चर्चा में हैं, जैसे घाट पेयजल योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है, मुख्यमंत्री माटी कला योजना यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई है, किसान फसल राहत योजना झारखंड के द्वारा चलाई गई है, एक जिला एक शिल्प योजना एमपी के द्वारा चलाई गई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसरो स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान
अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसे गगनयान के नाम से लॉन्च किया जाएगा। यह दिसंबर 2020 में जाना था, लेकिन अभी यह दिसंबर 2021 में जाएगा। यह 2020 में लगभग कंप्लीट था, लेकिन कोरोना काल के कारण से इसे 2021 दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। इस मानव रहित गगनयान में व्योमित्र नाम का एक रोबोट होगा, जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष में होने वाले सभी हलचलों और यान से संबंधित गतिविधियों के ऊपर नज़र रखेगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवान हैं इसके। अन्य इसी तरीके की स्पेस एजेंसी जो चर्चा में है दोस्तों अभी, जैसे जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स यह अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है। पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा दोहराया जा सकता है। रोसकोसमोस रूस की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। तो इस तरीके की न्यूज पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।